फर्स्ट पैकिंग हो रही है अभी हमारा जो है, ये जाने से पहले एक दिन पहले का है सीन जो आप लोगों को दिखा रहे हैं बता रहे हैं, और पैकिंग से शुरू हो रहा है। और नमस्कार प्रणाम सबको, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। नए ट्रिप में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और अभी पैकिंग नहीं हुआ था, अब पैकिंग हो रहा है सब कुछ, फिर आगे एक ट्रिप में देखने को मिलेगा। और बैग हम जो है यही वाला ले जा रहे हैं, ये सफारी वाला जो बैग है इसी के लिए चल रहे हैं, क्योंकि वजन का भी ध्यान रखना है हम लोगों को कि 7 kg से अधिक ना हो, तो हिसाब किताब से लेना भी है। और बैग अगर भारी रहेगा तो पता चलेगा कि सब कुछ तो भारी हो जाएगा भैया। पूरा अभी बिखरा है लेकिन समेट रहे हैं, सबको समेटेंगे तो बैग में भर जाएगा, क्योंकि अभी सब इंस्ट्रूमेंट सही बने बैठा रहे हैं, कौन कौन किस में किस में। अभी ये मेरा छोटा वाला है शोल्डर बैग है, ये अभी इसमें कुछ कुछ ही सामान रखा गया है, और ये फुल बैग तैयार है लगभग में। और ये देख रहे हैं मिक्सर लाई का, और ये अभी 2 पैकेट बाहर रखे हैं। कन्फ्यूजन है कि कौन सा पहन के चलूँगा कौन सा नहीं, तो इसके लिए जो है हम अभी रख दिए बाहर, जब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तो एक अंदर एक बाहर। लगभग में हमारी जो है फुल तैयारी हो चुकी है, अभी मोबाइल सब लगा रखे हैं चार्ज में, और इंतज़ार कर रहे हैं कृष्णा भाई का जो कि आने वाले हैं। और बैग पैकिंग तो दिखा रहे थे आप लोगों को, बैग पैक हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब आएंगे तो शूज सब निकाल के रख लिए, बस आना है, कपड़ा चेंज करना है, चलना है। तो इन पूरा अपना हम हर तरह से सब कुछ निपटारा कर रहे हैं, तो ब्लॉग ज़बरदस्त और मस्त और झक्कास वाला रहेगा ही। तो ये अभी डिसाइड करना है कि हमको DSLR ले जाना है कि नहीं ले जाना है, अभी उस विचार नहीं बन रहा है, इसको छोड़ हो सकता है नहीं भी ले जाएं, क्योंकि भार भारी काफ़ी हो जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं नज़र आ रहा है, तो समझ में आ रहा है कि ऐसे ही हम जो है चलें ठीक है। छोट गोप्रो है, मोबाइल है, ये तो ही है, बाकी अभी हम तैयारी पूरा कर चुके हैं जो। तो ये वीडियो अभी कुछ काम अभी हमारा पेंडिंग रह चुका था, तो अभी समय है, तो सोच रहे हैं तब तक निपटा लेते हैं, क्योंकि लैपटॉप वैपटॉप का झाड़ ना रहे, कोई काम रहे, फ्री रहें एकदम से। तो आइए तब तक निपटा लेते हैं काम, तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप फुल वीडियो का एंजॉय लीजिए। तैयारी पूरा हो चुका है और हम लोगों की अब जो है बैग भी तैयार हो चुका है, कृष्णा भाई हमारे आ चुके हैं, काफ़ी देर से आए थे, बैठे हैं, देखिए हाय करें एक बार, हाय हो जाता है इनके साथ। और अभी नीरज भाई आ रहे हैं, बस हम लोग तैयार हैं, समझिए कि अब कुछ नहीं, बस आ जाते हैं, तो इसके बाद लेके सामान पूरा निकलते हैं। अभी आप लोगों को दिखाते भी हैं कि आएंगे तो बाहर निकल के ऐसे दिखाएंगे आप लोगों को, देख रहे हैं हमारी गाड़ी जो है आ चुकी है, ये अश्वनी भाई अपनी गाड़ी में, क्या है विशाल भाई जो है हम लोगों को विदा करके अब जा रहे हैं, कृष्णा भाई को लेके आए थे, और ये फुल इन्जॉयमेंट फुल जो है जर्नी होने वाली है, इतना मज़ा आने वाला है कि पूछना नहीं है। और आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिए, और नीरज भाई एक बार हाय बोल दीजिए हमारी ऑडियंस को, और भाई साहब देखिए मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि अब सब दुनिया यही है। खोला, चलिए बैठते हैं गाड़ी में, फिर इसके बाद आगे जो है फिर होगा जो भी होगा। दर्शन करा रहे हैं अपने नगर पंचायत सरायमीर की धरती का, फिर यहाँ से डायरेक्ट तो चलेंगे हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस होते हुए, और एयरपोर्ट जाना है जो अमौसी हवाई पट्टी का भी दर्शन आप लोगों को कराएंगे, पहली बार हम भी दर्शन करने जाएंगे, आपको भी दर्शन करें, जहाज का भी दर्शन होगा। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं नीरज भाई, हमारी बातों को बतिया को सुन कर, बुजुर्ग भाई नीरज भाई हैं, बुजुर्ग हो जाए ना, और क्या बुजुर्ग हम लोग कह सकते हैं, 61 से पार हो चुकी है, 61 से पार, हमें बीयर मात्र चश्मा यार, एक मुंह चाहत रहा, और हम लोग बैठे हुए हैं कृष्णा भाई और मैं यानी आरपी, मस्त वाला है, हेलो कुछ बोल दीजिए हमारे अश्वनी भाई जो है, चलिए चलिए आगे चलिए, टूर मैनेजर इस समय हम लोगों के प्रिय हैं, जो कि हम लोगों के मतलब इतने प्यार करते हैं कि ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव जो उनको करना नहीं चाहिए था, हमारे पास ड्राइवर जो खुद मैं हूँ लेकिन वो प्यार बरसा रहे इतना कि वो कह रहे हैं गाड़ी हम चलाएंगे, मुस्कुरा भी रहे हैं प्यार में जो है, देखिए एकदम से मस्त वाले स्टाइल में, और हम लोग चल रहे हैं नीरज भाई तो हम लोग एकदम हाईवे हमारे हाईवे ड्राइवर हैं हम लोग, लेकिन अब नीरज भाई हमारे टूर के मुखिया जो है बैंकॉक में एक से एक चीज जो है उपलब्ध कराएंगे,
आप लोग गलत मत समझिएगा, मतलब टूर पैकेज है, खाने पीने का पूरा व्यवस्था इन्हीं का है। टोल टैक्स है, यहीं से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ा जाएगा और ये फुलवरिया माहौल है जो यहाँ से जो है हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और पूरा टूर का नज़ारा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो आप लोगों को बहुत दिखाए हैं, कई बार दिखाए हैं, थोड़ा सा एंट्री आप लोगों को दिखा देते हैं इस बैंकॉक सीरीज में जो है, आप लोगों को इसलिए दिखा दे रहे हैं कम से कम पता चले कि हाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए हम लोग लखनऊ गए थे और टोल प्लाजा पे यहाँ तो फास्टैग लगा है, अब ऑटोमेटिक खच खड़ा हो जाएगा। हाँ खड़ा हो गया, इसका सिग्नल डाउन हो गया, खड़ा शाम के लगभग जो है बज रहे हैं 5 और अभी हम लोग लखनऊ पहुंचने में कुछ देर अभी लगेगा हम लोगों को और लखनऊ पहुंचेंगे फिर कुछ भाई। एयरपोर्ट में घुसने से पहले हम लोग खा पी लिया जाएगा, इसके बाद जो है फिट हो जाएंगे। 11 बजे फ्लाइट है हम लोगों की, तो 8 बजे एंट्री कर लेना है, सभी लोग खा पी के ही निकलेंगे फिर इसके बाद अंदर चला जाएगा। और शाम का समय है, दिखा देते हैं आप लोगों को, देखिए सूर्यदेव जो है सूर्यास्त होने के कगार पे हैं, लखनऊ से हम लोग अभी कुछ दूरी पर हैं और ये नज़ारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। हम लोग जो है अब खाना खाने के लिए चल रहे हैं क्योंकि खाना खाने के बाद फिर अमौसी एयरपोर्ट पे जाना है, तो अभी जो है सरदार चाप वाले हैं इनके यहाँ चलेंगे, चाप लिया जाएगा, सोया चाप ये हम लोग खा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त सरदार जी सोया चाप वाले हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बनता है इसमें सोया चाप, एकदम मन से खाइए, प्याज है और सोया है, चटनी इतना लाजवाब है कि पूछना नहीं है। हम लोग जो है एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, टर्मिनल 3 पे चढ़ चुके हैं, ये देख रहे हैं सामने एयरपोर्ट यही है, कैशलेस है, यही एयरपोर्ट है और टर्मिनल 3 पे जाने के लिए ये फ्लाई ओवर का यूज हो रहा है। एयरपोर्ट का नज़ारा एकदम धांसू वाला, एकदम मस्त वाला, पहली बार 40 वर्ष में हम जो है पहली बार जो है ये सफ़र करने जा रहे हैं फ्लाइट का, और हम लोगों का फर्स्ट फ्लाइट हमारी फर्स्ट है और कृष्णा भाई का फर्स्ट है, नहीं कई बार हो चुकी होगी, मेरी तो 12वीं बार है और सनी भाई की 12वीं बार है और नीरज भाई की भी 13वीं बार होगा लग रहा है। और नज़ारा पूरा दिखाएंगे आप लोगों को, मनोरंजन पूर्ण, मज़ा आने वाला, एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम धांसू वाला। और बैंकॉक के लिए हमारी फ्लाइट जो है 11:05 पर उड़ेगी और हम लोग पहले सब कुछ व्यवस्था सेट कर लें फिर आप लोगों से हम बात करते हैं एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट के बाहर का भी नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को। भाई ये देखिए आरपी भाई जो है वो अपना सामान वामान सब लोग पैक कर रहे हैं, ये देखिए हम लोग आ गए हैं अमावसी चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, हम लोग आ चुके हैं, गाड़ी हमारे पार्किंग में है और बाकी हम ये आरपी भाई और भाई देखिए ये हमारे अश्वनी भाई और हमारे ये कृष्णा भाई, ये अपना सब लोग अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी सामान है अपना सामान सब लोग इकट्ठा कर रहे हैं, बस यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे हम लोग हमारे पे अच्छा तेरे पास है ठीक है ए आई लाओ का पकड़ा बहुत के करे पास है कलमिया है अपने मतलब एयरपोर्ट पे जो है अब हम लोग की एंट्री हो रही है और ये देख रहे हैं ये गाड़ी इस साइड पार्किंग में खड़ा हुआ, तो अब इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं जो है ओला ने दिया गोला, सबसे लास्ट वाली पार्किंग में हम लोग गाड़ी खड़ी है, ऊपर ये पूरा ओवर ब्रिज है और इसी से फिर हम लोग आगे चल रहे हैं, अब एंट्री होगी आगे से हम लोगों का जो है पूरा फुल इन्जॉयमेंट आप लोगों को तो पूरा मिलेगा ही, साथ में हम लोग बता भी रहे हैं कैसे कैसे टूर होगा हम लोगों का। और ये लगभग में 11:05 फ्लाइट है और सामने लिफ्ट के द्वारा जो है ऊपर नीचे जा रहे हैं, यहीं से ऊपर हम लोग भी जाएंगे जो है, यहीं से निकलेंगे ऊपर ऊपर एक बार लिफ्ट से जो हम लोग ऊपर आए हैं ना, तो अब इधर से एंट्री होगा आगे, अब अंदर चलेंगे तो फिर बाहर आना मुश्किल है, इसलिए अब हम लोग जो है अंदर अपना प्रोसेस जो भी जो करना है उसको फिर करेंगे, सब कुछ करते हुए चलते हैं। कृष्णा भाई हमारे जो हैं ये चश्मा अपना भूल गए गाड़ी में, अब बिना चश्मा का रहेंगे, चलेंगे जो है वहाँ फिर चश्मा खरीदेंगे। एंट्री हम लोगों की हो चुकी है ना, इसके बाद जो है अब
टिकट और पासपोर्ट दो चेक हो चुका है। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं अभी एयर एशिया वाले जो टिकट हम लोग किए हैं उससे सिंगल टिकट विंडो से लेना पड़ता है ना, जिसके बाद क्लियरेंस हो जाएगा तब अंदर हम लोग चलेंगे। तो सभी लोग रेडी एंड तैयार हैं। प्लेटफॉर्म जैसे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के अंदर जो है ये देख रहे हैं भाई साहब यहाँ वेलकम कर रहे हैं फिर सबको जो है एंजॉयमेंट कर रहे हैं सबका। और इसमें देखिए जो पीने के शौकीन हैं उनके लिए बियर भी रखी है जो फ्री में ले, फ्री नहीं पैसा दे के ले जा सकते हैं। 20 नंबर गेट है ये जो ऊपर देख रहे हैं, यहीं से हम लोगों को जो है पिकअप करेगी वैन और यहाँ से हम लोग लाइन लगा के जाएंगे। इसके बाद ये वेटिंग हॉल है, ये खूबसूरत वेटिंग हॉल लखनऊ का, और हम लोग अभी बैठेंगे यहाँ जो है और ये एंजॉयमेंट पूरा जिसको जाना खा रहे हैं पी रहे हैं होटल्स में हम लोग भी एंजॉय पूरा कर रहे हैं। और ये फर्स्ट टाइम जो हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे वो तो देखने के बाद पता चलेगा। ध्यान दें कि सबसे पहले पासपोर्ट जो बनवाने के बाद हम लोग जो चेक कराए थे यहाँ इतना बेहतरीन तरीके से चेक हो रहा है। और सबसे पहले जो ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं उसको लेकर आने के बाद यहाँ बोर्डिंग पास मिल जाएगा, बोर्डिंग पास के बाद इमिग्रेशन हो रहा है, इमिग्रेशन में पासपोर्ट देख रहे हैं चेक कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं और बढ़िया से मिला रहे हैं। और उसके इमिग्रेशन के बाद जानते हैं क्या हो रहा है कि इमिग्रेशन के बाद आप लोगों का बैग चेक होगा। एक चीज़ अफवाह था कि आप पावर बैंक नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक सामान सब ले जा सकते हैं और पावर बैंक से हम पावर बैंक भी ले के आ रहे हैं, साथ में और भी इलेक्ट्रिक सामान ले आए हैं, सब बाहर निकाल देते हैं, बेल्ट तक निकाल के चेक करते समय रख देते हैं। और वेटिंग हॉल में हम बैठे हुए हैं तो आप लोगों को कुछ निर्देश दे सकते हैं। 11:05 पे हमारी फ़्लाइट है और पूरा फुल देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ ये भी सिस्टम है ना, जैसे आप लोग यहाँ बैठे बैठे जो है नाश्ता कर सकते हैं। प्रोसेस देख रहे हैं FD 147 23:05 पर, और ये बोर्डिंग चेक करके जो है फिर से अब लाइन में लगे हैं। यहाँ एयरलाइंस वाले जो है एशिया एयरलाइंस वाले भी अपना जो है प्रोसेस करेंगे, इसके बाद तो फिर जाएंगे। बोर्डिंग पास होने के बाद अंदर से ये नज़ारा देख रहे हैं, फिर हम लोग अंदर जा रहे हैं, अब नीचे जा रहे हैं। ये उस साइड देख रहे हैं नीचे, उधर का एरिया पूरा एकदम से देखिए। हम लोगों का जो है अब एयरलाइंस पर बैठने का समय आ चुका है, एयरलाइंस पर भी हम लोग चलेंगे बैठेंगे और सभी लोग तैयार हैं। अब सामने आके लग गई है फ्लाइट जो है, फ्लाइट लगी हुई है। ये एयर एशिया का फ्लाइट है देख रहे हैं कैसे कितना बड़ा बड़ा डायना लगा हुआ है, और इसी में हम लोगों को जाना है और अभी लाइन लगी है, लंबी लाइन लगी है। सनी भाई फ्लाइट में बैठने का एहसास इनको नहीं है क्योंकि ये तो 12 बार चल चुके हैं, हम पहली बार बैठ रहे हैं। हमको पूछिए हमारा क्या हो रहा है, ये मज़ा आएगा एकदम, जो मज़ा आएगा वो देखने वाला होगा। देख रहे हैं कैसे फ्लाइट हमारी अब पीछे जा रही है, ये स्वयं नहीं जाती, ये पता किसी को नहीं था क्योंकि ये फ्लाइट ऑटोमेटिक पीछे नहीं जाती है, इसको ट्रेलर आता है, वो जो ट्रेलर देख रहे हैं सामने दिख रहा है ब्लू ब्लू, वही इसको पीछे ले जा रहा है और घुमाएगा इसको। और लाइटिंग कैसे स्टाफ दे रहे हैं ये देख रहे हैं, एयर एशिया का, और ये घुमा के सेट करेंगे फिर जब रनवे की तरफ लगा लेंगे तो इसके बाद जो है फिर आगे बढ़ाएंगे। ये देख रहे होंगे आप, नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा कांच लगा है तो हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये बैक हो रहा है, रनवे पे ये लाने के लिए घुमा रहा है, ट्रेलर द्वारा जो है घुमाया जा रहा है। और साथ में ये देख रहे हैं वेटिंग रूम सामने दिख ही रहा था, आप लोग देख रहे थे वहाँ से ये अब ऐसे जा रहे हैं, फिर ये रनवे पे आ जाएगा। ये प्लेन जो है अब स्पीड पकड़ रहा है, आप उड़ने लगा है देख रहे हैं,
डायना जल आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं जिन्हें लाइट जल रही है। अब रनवे पे जो है उड़ान भरेगी। अब जो है आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे ऊपर से कैसा लगता है लखनऊ, और खाली लखनऊ तक ही पता चलेगा और बाकी तो पता चलेगा नहीं। ये टर्न हो रही है देख रहे हैं, जैसे सीधे आई पे टर्न हो रही है, फिर उड़ान भरने के लिए कितना दूर तक जाएगा ये तो देखेंगे ही आप लोग। और ये उड़ान के लिए देख रहे हैं तैयार, इस वो सामने हम लोग थे वहाँ से आ गए हैं। हम लोगों का जो है सब कुछ काम हो चुका है, बाहर आ चुके हैं, लगी है लेकिन अभी आप लोग निपट लीजिए, तब तक हम फिर फाइनल करते हैं। और कुछ बदलाव हो चुका है, जितना हम लोग सुन रहे थे कि अराइवल इन वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा, यहाँ सिस्टम में बदल गया है। यहाँ तो खाली इस बार पासपोर्ट लिए, पासपोर्ट से ही दोनों हाथ का अंगूठी का निशान प्लस जो है अंगूठा लगवाया, फ़ोटो हो गया, सब कुछ डिजिटली हो गया। फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो लें, इसके बाद निकलते हैं बाहर, बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। एक बार आपको दिखा देते हैं डोंगमियोंग नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर बैठे हैं, अब एग्जिस्ट हो चुके हैं ऊपर से, क्योंकि जो भी काम होना था सब हो चुका है। बाहर हैं, ये वेटिंग एरिया है जहाँ हम लोग बैठ के फ्रेश होने के लिए, और सभी लोग तीनों लोग भाई हमारे चले गए हैं, हम अकेले बैठे हुए हैं, और अभी फ्रेश हो जाएंगे तो इसके बाद जो है। और ये सिस्टम देखिए, बैग रखा गया, धीरे धीरे बैग आ रहा है, कितना सिस्टमेटिक ढंग से आ रहा है, ऐसे होते हुए आ रहा है, ऐसे घूम के घूमते जा रहा है। एक बात बताएं आप लोगों को जो है कि यहाँ हम लोग जो है वेट कर रहे थे बाहर जो है कि गाड़ी वाला आएगा तो ले जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ पता नहीं चला था, मैसेज आ रहा था, लेकिन साइड में ये लगा हुआ है काउंटर, सामने देख रहे हैं काउंटर पे ही संपर्क हो रहा है कि हाँ किस होटल में जाना है, कौन आएगा। और इसके चक्कर में हम लोग कभी से घूम रहे थे, सोनी भाई तो एकदम अंग्रेजी माहिर आदमी है, एकदम बहुत तेज़ पढ़ते हैं भैया, ट्रांसलेट इतना तेज़ करते हैं कि मारेंगे उखाड़ फेंक देंगे, इतना तेज़ करते हैं, खाली इनके मुहर लग गया, क्या ना पढ़ाएँ खाली, हमारे पीएचडी धारक लोग हैं इधर, ये अंग्रेजी को मारते चीर पार के बराबर कर देते हैं। एक चीज बताइए, हमारी बहन आ चुकी है, हम लोग जो है गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। अभी हमारी बस जिससे जा रहे थे वो अभी रास्ते में है, होटल चलेंगे, होटल चलने के बाद ये ब्लॉग एंड हो जाएगा। इसके अभी एयरपोर्ट से होटल जा रहे हैं उठाया, तो ये मेरा देहात एरिया है ना, गांव एरिया भी आपको दिखा देते हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, सूर्य जी उदय हो चुके हैं पूर्व से, और ये ग्रामीण अंचल से चल रही है गाड़ी। बहुत है गाड़ी रोड सब, रोड भी जबरदस्त है, एकदम मस्त हो गया, देख रहे हैं कितना बेहतर ना, इसे ऐसा रोड पूरा सब जगह तक मिलेगा, पूरा वहाँ तक मिलेगा। और सभी भाई लोग सो रहे हैं,
हुआ प्लेटिनम होटल का नीचे का एंट्री है और अंदर व्यवस्था क्या है तो खाने पीने की व्यवस्था इधर सामने दिख रहे हैं और अब अंदर चलते हम लोग देखते हैं क्या स्थिति है। हम लोग जो है देखिए एसी लाबी है यहाँ बैठे हैं। एक चीज़ यहाँ है कि अगर आप सुबह भी आ गए तो सब कुछ तो हो गया लेकिन एंट्री आपकी नहीं होगी 2 बजे से पहले, तो 2 बजे तक हम लोगों को इंतज़ार करना है। ऐसे ही देखिए सोफ़ा मिला है, ऐसे भी रात भर जगह बैठे समय आए हैं, अभी भी बैठना ही है। एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, ऐसी फ्लाइट से आइए जो कि 2 बजे के बाद आप लोगों को यहाँ तक पहुँचने का समय मिले, नहीं तो फिर दिन बेकार होने वाला है और हम लोगों का बेकार हो ही रहा है क्योंकि अब टाइम पास करना अभी मुश्किल है क्योंकि बैग है, बैग लेके कहाँ कहाँ जाएंगे, घूमेंगे भी नहीं और सुबह 2-3 घंटा वैसे भी नहीं कुछ रहता है यहाँ जब तक घूमने का, एंजॉय करने का, देखने के लिए सब दोपहर के बाद ही मिलेगा, शाम को चालू होता है, तब तक एकदम बेकार हैं हम लोग। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा कि सुबह सुबह आ जाइए क्योंकि सुबह पहुँचा दिया डुआंग म्यूंग जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से हम लोग आ गए, आने के बाद अब लुल्ल पड़े हुए हैं, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और ब्लॉग को हम एंड करते हैं, फिर अभी आप लोगों से मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, यहाँ के ब्लॉग से शुरू करेंगे जब स्टार्ट करते हैं, तो अभी फ्रेश व्रेश हो जाएँ, सब कुछ हो जाए तब मिलेंगे, तब तक आप लोग वीडियो को इंजॉय करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक टाटा।